आपने रामायण में बाली नाम के वानर का जिक्र तो अवश्य सुना होगा। बाली भगवान सूर्य देव का पुत्र था तथा किष्किंधा नगरी का राजा था। यह किष्किंधा नगरी भूतल में बसाई हुई थी। बाली के पास एक अनोखा वरदान था कि युद्ध भूमि में कोई भी शत्रु उसके सामने जाता था तो उस शत्रु की आधी शक्ति उसके अंदर समा जाती थी। बाली के इसी वरदान के कारण कोई भी शत्रु बाली के सामने टिक नहीं पाता था, क्योंकि जब भी कोई शत्रु बाली का सामना करने के लिए रणभूमि में आता था तो उसकी आधी शक्ति बाली में समा जाती थी, जिसके कारण बाली अपने शत्रु से 2 गुना अधिक ताकतवर हो जाता था और अपने शत्रु को आसानी से परास्त कर देता था। ब्रह्मदेव ने बाली की तपस्या से प्रसन्न होकर उसे यह वरदान दिया कि जब भी युद्ध भूमि में कोई भी शत्रु तुम्हारे सामने आएगा तो उसकी आधी शक्ति बाली के शरीर में आ जाएगी। ब्रह्मदेव द्वारा मिले इस अनोखे वरदान के कारण बाली हर शत्रु पर विजय प्राप्त कर लेता था और इसी कारण उसे अपनी शक्ति पर घमंड होने लगा था। अपने इसी अहंकार के चलते बाली ने एक दिन साधना में लीन हनुमान जी को चुनौती दे डाली। शुरू में तो हनुमान जी ने बाली को नज़रअंदाज किया, लेकिन बाली के बार बार उकसाने पर हनुमान जी को थोड़ा क्रोध आने लगा, किंतु फिर भी उन्होंने सोचा कि इसको अपनी शक्ति का घमंड हो गया है, इसलिए इसको जाने दिया जाए। क्योंकि बजरंगबली हनुमान जी जब भी अपनी भक्ति में मस्त रहते हैं तो उनको अपने अपमान का कोई भय नहीं रहता है, इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि वह बाली से युद्ध नहीं करेंगे और दोबारा से श्री राम का नाम लेकर उनकी भक्ति में लीन हो गए। अपने तक तो ठीक था, लेकिन जब बजरंगबली ने अपने प्रभु श्री राम के बारे में बाली के मुख से चुनौती सुनी तो उन्हें गुस्सा आ गया और उन्होंने निश्चय किया कि वह बाली का घमंड अवश्य तोड़ेंगे। यह सोचकर हनुमान जी ने बाली की चुनौती स्वीकार कर ली और उसके साथ युद्ध करने का निश्चय किया। युद्ध का दिन निर्धारित किया गया, लेकिन जिस दिन युद्ध होने वाला था उससे पहले स्वयं ब्रह्मा जी बजरंगबली हनुमान जी के पास गए और बोले, हे हनुमान जी, आप जब बाली से लड़ने युद्ध क्षेत्र में जाएं तो केवल अपनी शक्ति का 10वां हिस्सा लेकर ही जाएं और अपनी बाकी की शक्ति अपने प्रभु श्री राम के पास छोड़कर जाएं। युद्ध से लौटकर आप अपनी शक्ति श्री राम से वापस ले लेना। ब्रह्मा जी की बात हनुमान जी मान लेते हैं और युद्ध के मैदान में अपनी शक्ति का केवल 10वां हिस्सा लेकर जाते हैं। हनुमान जी के सामने जाते ही वरदान के मुताबिक हनुमान जी की आधी शक्ति बाली के शरीर में समाने लगती है। अचानक बाली को अपने अंदर बहुत अधिक ऊर्जा महसूस होने लगती है। जैसे जैसे हनुमान जी की शक्ति बाली के शरीर में समाती जा रही थी, बाली की हालत खराब होने लगती है। बाली की नसें फूलने लगती है और उसके पूरे शरीर में पसीना आ जाता है। बाली को समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसका शरीर फूलता जा रहा था और आकार में बड़ा होता जा रहा था। बाली को यह लगने लगता है कि उसका शरीर जैसे फटने ही वाला है। तब अचानक ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बाली से बोले कि तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो बजरंगबली से जितना हो सके दूर भाग जाओ। हनुमान जी इतने अधिक शक्तिशाली हैं कि उनकी शक्ति का केवल 5% हिस्सा भी तुम अपने शरीर में धारण नहीं कर पा रहे हो और तुम हनुमान जी से युद्ध करने की सोच रहे थे। ब्रह्मदेव की यह वचन सुनकर बाली को अपने अहंकार पर पछतावा होता है और वह वहाँ से दूर भाग जाता है, जिस वजह से बाली के प्राण बच जाते हैं। इस तरह बिना युद्ध किए ही बाली महावीर हनुमान जी से हार जाते हैं।